नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में। मैं आपके साथ हार्दिक दवे और आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन चैनल जी राजस्थान। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं एक वीडियो के साथ, ऐसा वीडियो जिसकी चर्चा हर तरफ है। और ये वीडियो है एक अस्पताल का, जहां पर एमरजेंसी वार्ड में पुलिस अपनी जीप लेकर घुस जाती है। हो सकता है आपने फिल्मों में इस तरह की तस्वीरें देखी होगी, जहां पर कोई जीप अस्पताल के अंदर चली गई हो, जहां मरीजों का इलाज चल रहा हो। लेकिन इस बार ये तस्वीर किसी फिल्म से नहीं बल्कि वाकई एम्स से आई है। पुलिस कैसे पहुंची, क्यों पहुंची, सारे सवालों का जवाब देंगे। लेकिन देख लीजिए एक बार एक वायरल वीडियो और उसके पीछे की पूरी कहानी भी समझिएगा। देखिए, अस्पताल और अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पुलिस की जीप। ये तस्वीरें फिल्मी नहीं है बल्कि 100% असली है, जिसमें एम्स की चौथी मंजिल पर जीप दौड़ रही है और लोग आगे आगे भाग रहे हैं। इमरजेंसी वार्ड में जीप पहुंची है और मरीजों के बेड हटाकर जीप के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। यह हैरान करने वाली तस्वीरें ऋषिकेश एम्स की है, जहां पुलिस एक छेड़छाड़ के आरोपी को बिल्कुल फिल्मी अंदाज में पकड़ने के लिए पहुंची। ये पूरा मामला तब का है जब ऋषिकेश एम्स में एक नर्सिंग ऑफिसर पर महिला डॉक्टर से ऑपरेशन थिएटर के अंदर छेड़छाड़ का आरोप लगा। लोगों के बीच इस घटना को लेकर जबरदस्त आक्रोश था। बस फिर क्या था, पुलिस इस आरोपी को पकड़ने के लिए जीप लेकर ही एम्स में पहुंच गई। वीडियो देखिए कैसे एक पुलिसकर्मी अस्पताल में एंटर कर रहा है और पीछे से सरकारी गाड़ी आ रही है। गाड़ी देखते ही वहां मौजूद मरीज, अस्पताल के कर्मचारी और सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच अफरा तफरी मच जाती है। एक सुरक्षा कर्मी गाड़ी को रोकता है और उसके रास्ते पर आ रहे मरीजों के स्ट्रेचर्स को किनारे करता है। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है, जीप के लिए रास्ता बनाया जाता है। मरीज हैरान रह जाते हैं कि आखिर इमरजेंसी वार्ड में ये जीप पहुंची तो आखिर पहुंची कैसे। पेशेंट की सेफ्टी का इशू था वहाँ, उसके बीच में से पेशेंट की सेफ्टी, बाकी हम सब लोग भी होते हैं, तो उधर से बीच में से एकदम पुलिस अपनी गाड़ी लेके जा रही है। जहाँ पेशेंट चलते हैं वहाँ पे अपनी वो गाड़ी, वो आप देख सकते हैं, उस रैम से ऊपर लेके गए। ऑब्वियसली इमरजेंसी में पुलिस इस तरीके से नहीं आनी चाहिए, बिकॉज वहाँ पर पेशेंट्स होते हैं कैजुअलिटी में, विच आर वेरी सिक, बहुत सिक होते हैं वो, एंड वी डोंट नो क्या है वो। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही नहीं है, और फिर पुलिस उन्हें लेकर भी गई लेकिन उसके बाद तो वो बाहर है, तो कोई पर्पज ही नहीं हुआ। लेकिन पुलिस को गिरफ्तारी करनी थी और वो गिरफ्तारी कर एम्स से बाहर चली गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस के इस तरीके पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि एम्स प्रशासन की मंजूरी के बाद ही ये कदम उठाया गया, क्योंकि आरोपी को भीड़ से खतरा था। ये जो है एक्चुअल में वहाँ इतना आक्रोश था कि जो भीड़ थी, वो जो पीड़ित जो मुलजिम है, मुलजिम को पकड़ के किसी भी तरह से मारना चाह रही थी, और ये भी एक बड़ा अपराध हो जाता। तो एम्स प्रशासन ने पुलिस को एस्कॉर्ट करके वहाँ ले गए, ताकि उसको सेफ ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से बाहर निकाला जाए, कि भीड़ के हत्थे न चढ़े। ये है इसमें, कोई एम्स प्रशासन के द्वारा ही एस्कॉर्ट करके ले गए। दरअसल एक डॉक्टर के साथ छेड़खानी का मामला यहाँ लगातार तूल पकड़ रहा था, जिसमें आरोपी पर ऑपरेशन थिएटर में छेड़छाड़ का आरोप लगा था। महिला डॉक्टर के सपोर्ट में तमाम डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए। वे सभी आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इसी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ये एक्शन लिया। जो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर है, उनमें भी आक्रोश था कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए। पुलिस के द्वारा फिर वहाँ की गंभीरता को देखते हुए तत्काल उसको गिरफ्तार करके थाने पर लाए। सस्मदीप साथी भी है, उसमें दो दो जूनियर डॉक्टर थे, और अभी भी आक्रोश है, लेकिन जो विधि सम्मत कार्रवाई है पुलिस के द्वारा कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने ये गिरफ्तारी की, इस पर गंभीर सवाल भी उठते हैं। आखिर क्यों एक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अस्पताल में भर्ती मरीजों को असुविधा पहुंचाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।